गुरुग्राम से आ रही है। खिड़की दौला टोल पर एक बार फिर से गुंडागर्दी की तस्वीरें नजर आई हैं। दरअसल टोल टैक्स मांगने पर दबंगई दिखाई गई है एक बार फिर से, तो अक्सर सुर्खियों में रहता है ये टोल टैक्स। और एक बार फिर से यहां की तस्वीर नजर आई है, कार सवार दो युवकों ने टोल प्रवक्ता को मारा है। टोल प्रवक्ता और टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, तो सीसीटीवी में पूरी जो घटना है वो कैद भी हो गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, बदमाशों ने टोल प्रवक्ता को जान से मारने की कोशिश की है, गंभीर अपराध। तो टोल ना देने के चलते ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल पर ये एक बार फिर से तस्वीर नजर आई है, जहां पर टोल मांगने को लेकर पूरा विवाद हुआ। तस्वीरें देखिए, टोल मांगने पर ये दबंगई दिखाई जा रही है, मारपीट तक की नौबत आ गई। अज्ञात हमला बताए जा रहे हैं हमलावर, और तस्वीर में जो नजर आ रहे हैं वो देखिए कैसे लात मारते हुए दिख रहे हैं। ये टोल टैक्स मांगने पर बताया जा रहा है ये पूरी दबंगई दिखाई है इन्होंने। जो टोल प्रवक्ता हैं और जो टोल के कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट की गई है, टोल प्रवक्ता और टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है और जान से मारने तक की कोशिश की है। तो मामला बेहद गंभीर है, ये सीसीटीवी की फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हो चुका है, पूरी घटना इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए जिसको सर्कल कर रखा है रेड कलर का, इनके साथ पूरा विवाद हुआ है। ये वो शख्स है जो झगड़ रहा है, लड़ रहा है, विवाद कर रहा है, इस पर वाद विवाद चल रहा है। यहाँ पर पहले मुंह से एक दूसरे को अपशब्द बोले जाते हैं और उसके बाद ये जनाब आगे आते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। संजय राठौर से ज्यादा जानकारी लेते हैं। संजय, खिड़की दौला टोल एक ऐसा टोल है जहां पर अक्सर विवाद होता रहता है टोल मांगने को लेकर, एक मामला नया सामने आया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले एक हफ्ते में तीसरा मामला है गुरुग्राम खिड़की दौला टोल की हम बात करें तो। सबसे पहले करीबन 10 दिन पहले की हम बात करें तो एक महिला को टोल कर्मी को मारा जाता है। उसके बाद हम कल की बात करें, जो टोल के प्रवक्ता है उनको गाड़ी पे करीबन 100 मीटर तक घसीटा जाता है, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी जाती है। लेकिन आज फिर से दबंगों का कहर इतना हुआ, जब टोल मांगा गया तो उसके बाद जो टोल के प्रवक्ता है और जो कर्मचारी है उनके साथ मारपीट की जाती है। जब मारपीट के बाद जब वो गाड़ी लेके भागते हैं उनका किया जाता है, लेकिन फिर से जो दबंगे वो गाड़ी रोक के जो टोल के प्रवक्ता है उनके सर में पत्थर मार दिया जाता है, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है अभी प्रथम उपचार के लिए। और कहीं ना कहीं जो दबंगों की दबंगाई है गुरुग्राम में आए दिन बढ़ती जा रही है, और खासतौर पर खिड़की दौला टोल की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई घटना इस पर घटती है। हालांकि पुलिस की पीसीआर की हम बात करें वो भी गश्त मौके पर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो फरार होने में कामयाब होते हैं, और जो सीसीटीवी की मदद जरूर लेती है गुरुग्राम पुलिस, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि अब जितने भी हम बात करें पिछले एक हफ्ते में जितने मामले हुए अभी तक किसी में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि आज जो टोल कर्मचारी हैं उस गाड़ी में 2 युवक जरूर सवार थे, जिसमें से एक को पकड़ लिया गया है और एक फिर भी फरार हो गया। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो तीसरा मामला एक हफ्ते में नजर आया है, इनमें से एक को पकड़ा गया है और बाकी जो है वो फरार बताया जा रहे हैं। लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरीके की आपराधिक घटनाएं लगातार टोल पर हो रही हैं।